भू संसाधन तथा कृषि अध्याय के अंतर्गत अब हम ये समझेंगे कि भारत में भू उपयोग परिवर्तन किन आर्थिक क्रियाओं की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। यद्यपि समय के साथ आर्थिक क्रियाओं में बदलाव आता रहता है, लेकिन भूमि अन्य बहुत से संसाधनों की भांति क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थायी है। ठीक है, क्षेत्रफल स्थायी रहेगा क्योंकि जमीन तो उतनी है जितनी भारत का की सीमा अंकित है, किंतु संसाधनों के उपयोग से अर्थात भूमि है, वन है, नदी, तालाब, नहर, इन सब के प्रयोग से, इस्तेमाल से वो चीज़ें परिवर्तित हो सकती हैं, तो भूमि भी उपयोग के कारण परिवर्तित हो सकती है, यद्यपि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये स्थायी है। हमें भू उपयोग को प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के तीन परिवर्तनों को समझ लेना चाहिए कि किस कारण से अर्थव्यवस्था भूमि के उपयोग से प्रभावित हो जाती है। पहला है अर्थव्यवस्था का आकार। तो हम ये देखते हैं कि जैसे ही किसी सामान, मान लो कि किसी वस्तु की उत्पादन कम हुआ है, या कोई वस्तु है, मान लो ये सेब है, ये एक साल कम हुए, तो उसकी मूल्य जो है वो वृद्धि हो जाएगी, मूल्य की वृद्धि होगी क्योंकि जनसंख्या बहुत है और उसको मांगने वाले काफी हैं, वृद्धि हो गई मूल्य की। जब सेब ज्यादा हुए तो उसका मूल्य कम हो जाता है, मूल्य कम। तो ये मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर आधारित है। मांग समय के साथ बदलाव आ रहा है क्योंकि हमारा देश विकासशील देश है और ये विकसित होने के क्रम में बढ़ रहा है, तो विकासशील देश होने के कारण इसकी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन किया जा रहा है। नई नई प्रौद्योगिकी, नई नई तकनीकें, नए नए तरीके से ज्ञान की वृद्धि के द्वारा यहाँ पर नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, इससे अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। साथ ही जब नए नए रोजगार के साधन हुए, नए कल कारखाने, उसमें मशीनरियाँ नहीं लगी, तो लोगों के आय के स्तर में भी बदलाव हुआ। हम देखते हैं उदाहरण के रूप में, जहाँ 1960-61 में या 1940 या 50 के दशक में जहाँ लोगों को 50 रुपये महीने मजदूरी के मिलते थे, वहाँ अब 50,000 मिल रहे हैं। उनके रहन सहन के स्तर में प्रभाव दिखाई देता है, तो परिणाम स्वरूप भूमि पर दबाव बढ़ता है क्योंकि भूमि का उपयोग अन्य कार्यों में किया जाने लगा और सबसे अधिक सीमांत भूमि को इसमें प्रयोग में लाया जाता है। सीमांत भूमि को कैसे लाया जाता है कि यदि हम सीमांत भूमि, मान लीजिए कि एक गांव है, एक ये ग्राम है, तो ग्राम में यदि सड़क जारी है, प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत, या फिर नहरें निकाली जा रही हैं, तो सबसे पहले जो क्षेत्र लिया जाता है वो किनारे के जो सीमांत किसानों की भूमि है, भूमि चाहे वो उपजाऊ क्यों ना हो वो जाएगी। इस तरीके से गांव का आकार जो है छोटा होता जा रहा है और सड़कों का निर्माण और नहरों का निर्माण और अन्य उद्योग धंधों के लिए जमीनों का निर्माण, उसके लिए जमीन ले ली जाती है, तो इस तरीके से ये यहाँ पर छोटी होती जा रही है। अब दूसरा जो इसमें कारक है, वह समय के साथ अर्थव्यवस्था की संरचना में भी बदलाव आता है, अर्थात द्वितीय व तृतीय सेक्टर जो हैं, प्राथमिक सेक्टर की अपेक्षा अधिक तीव्रता से वृद्धि होती है। द्वितीय तृतीय सेक्टर कौन से हैं, तो पहला सेक्टर जैसे है कृषि,
तो पहला क्षेत्र जो सेक्टर है वो है कृषि का, प्राथमिक सेक्टर। ये क्या है? प्राथमिक। और दूसरा तृतीय सेक्टर कौन सा है? क्योंकि सब समान हो रहा है अब, तो हम देखेंगे कि द्वितीय और तृतीय सेक्टर है उद्योग धंधे, लघु और अन्य। तृतीय सेक्टर में आता है, थर्ड है, और ये सेकंड है उद्योग, और ये फर्स्ट है। प्राथमिक सेक्टर की जगह अब जो फोकस किया जा रहा है वो इस पर और इस पर भी किया जा रहा है, तो इसलिए इस पर कम फोकस किया जाने लगा। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता है वैसी वैसी इसमें इंक्रीज, इस पर ध्यान ज़्यादा जाता है, इस पर प्राथमिक सेक्टर अर्थात कृषि पर अर्थव्यवस्था कम निर्भर होती चली जाती है। ये विकासशील देश में एक सामान्य बात है। इस तरह से हम ये पाएंगे कि शहर के निर्माण के लिए उसकी सीमाओं का विस्तार होने लग जाता है और कृषि भूमि को अन्य उपयोग में लिया जाने लग जाता है। तीसरा है, यद्यपि समय के साथ क्रियाकलापों का अर्थव्यवस्था में योगदान कम होता है, पर भूमि पर कृषि क्रियाकलापों का दबाव कम नहीं होता, क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ रही है तो खाने को तो चाहिए, हम कहाँ से लेंगे? तो खाने के लिए चाहिए तो कृषि क्रियाकलापों का दबाव तो होगा, और जबकि कृषि क्रियाकलापों का अर्थव्यवस्था में योगदान कम हो जाता है, अर्थात जो राजस्व की उगाही है या उत्पादन के कारण के द्वारा जो पैसा मिल रहा है सरकार को मिलना चाहिए वो कम हो जाता है। कृषि भूमि पे दबाव के कारण है विकासशील देशों में कृषि पर निर्भर व्यक्तियों का अनुपात अपेक्षाकृत धीरे धीरे घटता जाता है। अर्थात यदि हम देखें कि जहाँ ये कृषि क्षेत्र है इसमें जहाँ 100 लोग काम करते थे, जहाँ 100 लोग काम करते थे, ठीक है, वो 100 के लोग जब जमीन छोटी हुई, जमीन चली गई, ये सारी की सारी बांध बनाने में या फिर किसी और चीज़ में, तो ये लोग सब के सब चले गए उद्योग धंधे में, उद्योग धंधे में जाके काम करने लगे, ठीक है, मगर इन लोगों को खाने को तो चाहिए। तो 100 लोगों ने उद्योग धंधों में जाके काम किया मगर खाने के लिए भोजन तथा अन्य चीज़ें, तो किस तथा अन्य चीज़ों की निर्भरता हमें कृषि से ही प्राप्त होगी, उसका तो उतना ही होगा, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी इंक्रीज होगी, कृषि पर दबाव उतना ही बढ़ता जाएगा, मगर कृषि का जो राजस्व है वो का जो भाग है अर्थव्यवस्था में वो कम होगा, क्योंकि यहाँ भूमि तो कम हो गई है, तो भूमि पे कम हो जाने पर और उद्योग धंधे बड़े हो जाने पर ये असर आएगा। जबकि जनसंख्या जो कृषि सेक्टर पर निर्भर होती है वो बढ़ती ही जाती है। अब चलिए इस ग्राफ के द्वारा हम देखते हैं कि 5 दशकों में क्या परिवर्तन हुआ, उसके आधार पर हम मान सकते हैं कि इस समय यदि हम इसके आंकड़े उपलब्ध कर हो जाएं हमें आज के समय में 2019 और 20 में, तो भी क्या प्रिडिक्शन या अनुमान लगाया जा सकता है। इसमें एक चीज़ है कि 4 और 5 जो संवर्ग था, स्थायी चारा गृह तथा तरु और फसल वृक्षों को इसके अधीन जोड़ दिया गया है। तो इस ग्राफ में क्षेत्रफल का प्रतिशत है और इधर की साइड जो संवर्ग हैं भू राजस्व अभिलेखों के आधार पर उनको नीचे रखा गया है, और इस बार के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि कितनी वृद्धि किसमें हुई, कुछ वास्तविक वृद्धि है और कुछ वृद्धि दर है।
तो हम दोनों ही चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे वन क्षेत्र है, मैं निशान लगा रही हूँ जिसमें बढ़ोतरी हुई। वन क्षेत्र में गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, कृषि योग्य वर्तमान पड़ती भूमि, निवल बोया क्षेत्र, इन चारों में हमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। देश में वन क्षेत्र में वृद्धि सीमांकन के कारण हुई है, ना कि वास्तविक वन आच्छादित क्षेत्र के कारण, ये बता दिया गया है। ये नहीं मान लेना चाहिए कि हमारे देश में वन ज्यादा लग गए हैं। हो सकता है कि प्रिडिक्शन हो सकता है कि वहां पर दिखाए जा रहे हो, किसी ने चंदन के बगीचे लगा दिए, किसी ने बांस के बाग लगा दिए, किसी ने आम के बाग लगा दिए, तो वन आच्छादित क्षेत्र उसमें हम देख तो रहे हैं, मगर वास्तविक में वहाँ पर हैं या नहीं ये नहीं कहा जा सकता। तो इसमें जो दिखाई जा रहा है वो 18 था 1960-61 में, वो अब 23% हो गया है 2008 और 9 में। ऐसे ही गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि जहाँ 5% थी 1960-61 में, वो अब 2008-09 में हो गई। इसमें हमें 4% की बढ़ोतरी दिखाई देती है। तो ये बढ़ोतरी क्यों हुई? क्योंकि जमीन जो थी वो उद्योग धंधों में और विकास कार्यों में ले ली गई। फिर वर्तमान पड़ती भूमि जो 4% थी वो 5% हो गई। तो जो जो एक साल और 5 साल तक के बीच में जो छोड़ दी जाती है, उसमें फर्टिलाइजर का और बीजों का, उन्नत खादों का प्रयोग करके उसे कृषि योग्य बना लिया गया इसलिए। मगर ये ज़्यादा नहीं है, केवल 1% की ही इसमें वृद्धि दिखाई गई है। वो क्षेत्र जो है निवल बोया क्षेत्र की, मैं इसको ऐड कर लें तो वो 45 जो था 1960-61 में, वो 2008-09 में 46 हो गया है। तो इस तरीके से इसमें हमें बढ़ोतरी 1% की दिखाई देती जो है कैटेगरी, उसमें हमें 4 में गिरावट भी दिखाई दे रही है। जैसे कि बंजरवा व्यर्थ भूमि, फिर स्थाई चारागृह तथा फसल क्षेत्रों के अधीन क्षेत्र, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, वर्तमान पड़ती भूमि के अतिरिक्त भूमि। तो 12 था जहाँ बंजर व्यर्थ भूमि, वो 6 रह गई। तो हम ये मान सकते हैं कि इसका उपयोग भी औद्योगिक विकास कार्यों में, शहरी विकास में, इन सब में ले लिया गया। फिर स्थायी चारागृह तथा फसल वृक्षों के अधीन क्षेत्र में, इसके अंतर्गत यदि हम देखें तो 2% की कमी हुई। 2% ये जगह जगह थी स्थायी चारागृह, ये साझा संपत्ति थी, और साझा संपत्ति को कारण जो इसमें आया वो निजी क्षेत्र के कुछ लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया गैर कानूनी रूप से, और उन्हें उस पर खेती, तो इस कारण से 2% की इसमें कमी आई। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि जहाँ 6 थी वहाँ 4 रह गई। तो इसमें भी इसलिए कमी आई क्योंकि इसमें विभिन्न तरीके के फर्टिलाइजर का और खादों का उपयोग में लेके आया जाने लगा, इस कारण से इस में भी कमी आई। ये पहले क्यों थी? क्योंकि फसल चक्र और वर्षा की अनियमितता के कारण ये प्रभावित हो रही थी। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, वर्तमान पड़ती भूमि के अतिरिक्त पड़ती भूमि, ये इसको भी तरह तरह के नई प्रौद्योगिकी से विकसित कर इसमें भी खेती या किस कृषि कार्य किया जाने लगा, इसलिए इसमें भी कमी दिखाई पड़ती है। तो घटते क्रम की व्याख्या निम्न कारणों से भी की जा सकती है, जैसे कि समय के साथ जैसे जैसे कृषि तथा गैर कृषि कार्यों में भूमि पर दबाव बढ़ा, वैसे वैसे व्यर्थ व कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में समय अनुसार कमी इसकी साक्षी है। और चारागाह भूमि में कमी के कारण गैर कानूनी रूप से कृषि विस्तार ही इसकी न्यूनता का मुख्य कारण है। अब आइए समझते हैं कि गैर जो कि एक कॉमन प्रॉपर्टी है चारागृह, उस पर निजी लोगों ने कृषि कार्य कर कृषि भूमि में वो क्यों काम में करने लगे, इसका एक कारण तो हम ये समझ सकते हैं कि लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया। साझा संपत्ति संसाधन, ये 30 शब्दों का उत्तर हम समझ सकते हैं इसे। तो इसमें क्या है कि निजी ये दो तरीके की होती है, दो वर्गों में बांटा जा सकता है, एक निजी भूसंपत्ति और दूसरा साझा संपत्ति संसाधन। पहले वर्ग की भूमि पर व्यक्तियों का निजी स्वामित्व तथा कुछ व्यक्तियों का सम्मिलित निजी स्वामित्व होता है, अर्थात कुछ परिवार का या व्यक्ति का ही इस पे अधिकार होता है।
स्वामित्व होता है, जबकि दूसरे वर्ग की भूमियों में सामुदायिक उपयोग हेतु राज्यों के स्वामित्व में होती हैं। हम पहले पढ़ा है कि चारागृह वगैरह पंचायत के अधीन होता है, ग्राम में जो पंचायतें होती हैं उसके अधीन होता है, जिस पर सभी लोगों का अधिकार होता है, सब लोग उससे कुछ ना कुछ ले सकते हैं और उसका प्रबंधन का दायित्व भी उसी इलाके के लोगों में, उसी गांव के लोगों के हाथ में होता है। तो लोगों का जैसे जो पशुपालन करने वाले लोग हैं, भूमिहीन हैं, उनको वहाँ से चारा प्राप्त होता था होता है, और जो महिलाएं हैं उन्हें घरेलू उपयोग के लिए ईंधन की लकड़ी प्राप्त हो जाती है, वहाँ पर फल, रेशे, अग्री, औषधि पौधे उपलब्ध होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो भूमिहीन छोटे किसानों तथा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के जीवन यापन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। साझा संपत्ति संसाधन को सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी कहा जा सकता है, ठीक है? साझा सामुदायिक है क्योंकि पंचायत तो सामुदायिक केंद्र होता है जहाँ सभी सदस्यों को इसके उपयोग का अधिकार होता है। अब ये देखते हैं कि वास्तविक वृद्धि दर क्या होती है। तो वास्तविक वृद्धि दर बराबर करके देख सकते हैं, वन क्षेत्र का करते हैं, वन क्षेत्र दो हजार आठ नौ माइनस वन क्षेत्र 1960 61। तो मान लीजिए कि उन इसमें जैसे बार में दिखाया गया है कि 23% हो गया 2008 और 9 में क्षेत्रफल, और 1960-61 में था वो 18, और इसको हम यदि इक्वल करके देखें तो इसमें 5 की परसेंट की वृद्धि दिखाई जा रही है। वास्तविक वृद्धि दर जो है वो 5 है, 2 सालों के उनका अंतर दिखाया गया है। तो संवर्ग दो विभिन्न सालों का अंतर हम घटा के कर देंगे, ठीक है? 1960-61 का कर दिया गया है। अब हम यहाँ देखते हैं वृद्धि दर, ठीक है? तो वृद्धि दर का यहाँ पर फॉर्मूला आपको दिखाया गया है, वृद्धि दर की गणना तो समय कालों का अंतर निकाल सकते हैं, तो ये तो वास्तविक वृद्धि दर हो गया। वृद्धि दर की गणना के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, हमको इस तरीके से निकालना है। तो मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। वृद्धि दर जो है लिख लिया, फिर हमारा हमने जैसे पढ़ा कि वन क्षेत्र जो है हमारा, हम इसका ही देखेंगे, वन क्षेत्र दो हजार आठ और नौ, हम इसको घटाएंगे, वन क्षेत्र 1960 61, ठीक है? और इसको वन क्षेत्र 1960 61 से, और यहाँ पर हमें 100 भी करना है। तो इस जैसे उसमें दे रखा है 23 है, इसको माइनस किया 18 है, और विभाजित किया 18 और इनटू
हंड्रेड, तो इसका जो आएगा आगे करेंगे इसको, पाँच बटा 18 गुणा 127.77% इसका वृद्धि दर हुई है। इस हिसाब से हम इसको निकाल, वृद्धि दर।